हम अभी निकलने लगे हैं उस्मान की बैठक जो कि अंदरून लाहौर में है। ये अभी हम अंदरून शहर एंटर हो गए हैं निस्बत रोड। ये मेट्रो रोड आ गया है। आज क्योंकि संडे है तो मेट्रो रोड सारा बंद है, वरना यहाँ गाड़ियों को सामान मिलता है। यहाँ एक काशी फोटो है और उसके अलावा यहाँ ये हाजी कैंप है। माशाल्लाह ये स्टेशन आ गया है। अगर किसी ने यहाँ से सियालकोट जाना हो तो स्टेशन पे जा सकते हो। तो सियालकोट ये एक मोरिया पुल है और एक और मोरिया पुल भी है। हम कभी हम मोरिया पुल क्रॉस कर रहे हैं। दो नंबर दो मोरिया पुल का ये और एक ये अभी हम दिल्ली गेट में हैं। ये अभी मस्जिद वजीर खान के बाहर हैं हम। अभी नमाज का टाइम हो गया तो मैं अंदर नमाज पढ़ के आता हूँ, फिर आगे निकलते हैं। अभी असर की अजान नमाज़ ख़त्म हुई है जमात और ये मस्जिद वज़ीर ख़ान है।
अभी मैं थोड़ी देर में इसके अंदर जाता हूँ, फिर आपको मस्जिद अंदर से दिखाता हूँ। ये भी हमने खलीफा नान शॉप से, वो पीछे जो अंकल की दुकान है ना, उधर से हमने नान लिए हैं। ये चिकन वाले नान है। इस टाइम मैं मस्जिद वज़ीर ख़ान एंटर हो चुका हूँ। ये एक गेट सा नज़र आया मुझे, एक छोटू सा गेट है, और ये कितने साल पुरानी मस्जिद है मुझे ये नहीं पता, पर ये इनका कोई इलेक्ट्रिकल रूम लग रहा है। हाँ, ये इलेक्ट्रिकल रूम लग रहा है। ओके, छोटे छोटे गेट्स हैं, तारे इन पर लॉक लगे हुए, मैंने अंदर से देखते हैं। मस्जिद वज़ीर ख़ान आए हुए हैं, अभी मगरिब का टाइम होने लगे, ऐसी रकम पड़ी थी, बहुत प्यारा मौसम है यहाँ। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिखाता हूँ। सामने मस्जिद की मेन एंट्रेंस है, और हमारे बैक पे बैक एंट्रेंस है, और वज़ू खाना है। बाकी इंशाल्लाह दिल्ली गेट से हमने एंट्रेंस ली थी, और निकलते हुए मैं आपको पूरी मार्केट और दिल्ली गेट दिखाता हूँ, इंशाल्लाह तब तक रोशनी हो। चलिए, थैंक यू। अभी हम मस्जिद वज़ीर ख़ान से बाहर निकले हैं और मार्केट प्लेस में जा रहे हैं। ये मस्जिद के बाहर एक सिटिंग एरिया और एक वहाँ दरबार है। ये मार्केट प्लेस है यहाँ पे। आ गई है, ये कपड़ा मार्केट है। ये मार्केट है जो दिल्ली गेट से अंदर है। मार्केट का नाम है कश्मीरी बाजार। यहाँ गोलगप्पे भी हैं। यहाँ शाही इमाम है एक, शाही हमाम, सॉरी, तो वो शाही हमाम जा रहे हैं हम। ये है शाही हमाम की एंट्रेंस। नहीं, एंट्रेंस ये नहीं, एंट्रेंस आगे है। ये है शाही हमाम, और ये इसकी एंट्रेंस है। ये है वज़ीर ख़ान हमाम, पब्लिक बाथ हाउस, नोन एज़ शाही हमाम, बिल्ट इन 104 BH। सही। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमाम का टूर। पब्लिक बाथ हाउस है,
जो कि कंपोज्ड ऑफ मैनी बाथ हाउसेज आई बिलीव, मुझे अभी पता नहीं, पहले दफा यहाँ देखते हैं। ओके, वजीर खान हमाम, द खालदर वॉज द ओवरऑल सुपरवाइजर एंड द कैशियर ऑफ फॉर द हमाम। इट वॉज हियर दैट द क्लाइंट्स वुड पे फॉर देयर बाथ एंड द स्पेस बिहाइंड द खालदर इज द सर्विस स्पेस विद कंटेनर्स फॉर लाइन क्लीन लिनन एंड टॉवल्स। दिस स्पेस वॉज कनेक्टेड विद द स्टेयर्स लीडिंग अप टू द रूफ विद द टॉवल्स एंड द रैप अराउंड्स वर ड्राइड। ओके, ये इसका सीलिंग पे जो बहुत कह रही है, सीलिंग पे काफ़ी सारा वर्क हुआ है। मुझे इसकी सीलिंग बहुत प्यारी लगी है। ये हमाम ही है, मगर ये डेंजरस किस्म का हमाम है, क्योंकि यहाँ पे नहाते भी गिर सकते हैं। मुझे बॉटल लग रहा है, और नहीं अच्छे स्टोरी पढ़ते हैं। कोल्ड बाथ किस्टेंस लाइक दिस वन वर मेंट फॉर पीपल हु वर अटेंडेड बाय द हमामी। दीज वर प्रॉपर्ली सर्वर ऑफ दिस प्राइवेट पूल्स, दो ओनली टू वर नाउ आर नाउ लेफ्ट। द वाटर वॉज फेड फ्रॉम cascades built into the wall. The water drained into the main drain running under the floor. A section of the drain which had collapsed is visible at the far end of the room. Okay. Oh, ye collapse hua tha. Theek hai. Theek hai, ye gir gaya. Okay. Oh, nahi, ye gira hai. Ye nahi, ye to tunnel hai. Ye drainage hai. Sahi hai. Okay, ye purane artifacts hain aur ye padhte hain hum. Art for peace. पुराने ज़माने में इस तरह पब्लिक वॉक लिया करते थे। ये एक बहुत प्यारी जगह है, ये इसकी सीलिंग भी बहुत प्यारी लगी। सीलिंग में छोटी सी विंडो भी है, और ये नीचे कितना प्यारा है, बहुत प्यारा है। अभी हम हमाम के लास्ट रूम में आ गए। जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगे ना, वो ये लगे जो नीचे इसकी ग्राउंड है, और ग्राउंड के नीचे ये सारी ड्रेनेज है। ये अच्छा, उस ज़माने की जो ईंट का साइज़ है वो छोटा होता था, है ना? अब तो ईंट का साइज़ बड़ा हो गया। ओके, ये मैंने एक देखा है, पता नहीं अलाउ है या नहीं, पर ये नीचे अलाउ नहीं है, इससे पहले कि वो आ जाए और पकड़ ले। ये शबील वाली गली, तो अभी मैं शबील वाली गली एंटर होने लगे हम। यहाँ वो गाना शूट हुआ था, एक सॉन्ग था बारी, वो यहाँ शूट हुआ था।